हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट मिनट शॉकिंग चेंजेस के बारे में जो हो सकते हैं ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। दोस्तों, अब बस कुछ ही देर बाकी है ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के लिए और हमें बहुत सारा मजा आने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट मिनट शॉकिंग चेंजेस जो हो सकते हैं ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। पर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर बहुत बड़े WWE सुपरस्टार्स एंड लेजेंड्स डिनर कर रहे हैं एक साथ सऊदी अरेबिया में। आप वीडियो में देख सकते हैं शेन मैकमैन, ब्रॉन स्ट्रोमैन, रोमन रेंस, विंस मैकमैन शेक के साथ बैठे हैं डिनर करते हुए। और दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं रूसेफ, रैंडी ऑर्टन, मार्क हेनरी, खली, कर्ट एंगल, अंडरटेकर एंड ब्रॉक लेसनर सभी एक साथ बैठे हैं डिनर करते हुए। और दोस्तों, मजा तो तब आया जब अंडरटेकर ने ब्रॉक लेसनर को हंसाया। ये एकदम एक ड्रीम मोमेंट था। कर्ट एंगल ने भी अंडरटेकर के साथ उनकी सेल्फी ली और इंस्टाग्राम पर डाली। इस इमेज एंड वीडियो से पूरा इंटरनेट हिल गया। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि कौन से लास्ट मिनट चेंजेस हो सकते हैं ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल इवेंट में। फर्स्ट, WWE चैंपियनशिप। दोस्तों, बहुत सारे रूमर्स है कि AJ Styles रिटेन करेंगे, पर अभी न्यू अपडेट्स आई है कि ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो सकता है, क्योंकि नाकामुरा AJ Styles को लो ब्लो देंगे। तो इससे होगा क्या, AJ Styles और नाकामुरा दोनों ही स्ट्रांग दिखेंगे। और दोस्तों, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि WWE नाकामुरा को जितवा सकती है WWE चैंपियनशिप, क्योंकि जून में WWE का जापान टोक्यो का टूर है। नंबर टू, मिज एंड जिंदर महाल जीत सकते हैं अपने चैंपियनशिप वापस। WWE के ऑलरेडी प्लान्स है कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में 3 से 4 टाइटल चेंजेस होने चाहिए। तो फिर ये 2 सिनेरियोस इनमें से हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मिज ने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार दिया था एट WrestleMania 34, तो बहुत सारे चांसेस है कि मिज अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीते एट ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल और वो टाइटल लेके जाए स्मैकडाउन लाइव में। और दोस्तों, चांसेस है कि डीन एम्ब्रोस इस मैच में इंटरफेयर करेंगे और अटैक करेंगे सेथ रॉलिंस को और उनको हरवा देंगे उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और रही बात जिंदर महाल की, वो जब से रॉ में आए हैं तब से उन्हें पूरी तरह से बुक किया जा रहा है। फर्स्ट नाइट ऑन रॉ में वो अपना US चैंपियनशिप हार गए जेफ हार्डी को, और दूसरे रॉ में चैड गेबल से रोल अप थ्रू हार गए। मतलब पिछले 2 वीक से जिंदर महाल लूजिंग एंड पर है। तो फिर दोस्तों, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिंदर महाल जेफ हार्डी को हरा दे ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में और फिर से जीत जाए US चैंपियनशिप एंड ब्रिंग इट बैक टू रॉ। एंड द फाइनल नंबर 3, ब्रॉक लेसनर रिटेन्स यूनिवर्सल चैंपियनशिप। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर ने सबको शॉक कर दिया था WrestleMania 34 में जब उन्होंने रिटेन कर लिया था अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंज को हराकर। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा हमें इस मैच में लास्ट मिनट चेंजेस देखने मिल सकते हैं। इसका रीजन ये था कि विंस मैकमैन को पसंद नहीं आया कि क्राउड रोमन रेंज को बू कर रही है। रूमर्स तो है कि रोमन रेंज ही ये मैच जीतेंगे, बट आपको पता है कि विंस मैकमैन इसमें लास्ट मिनट में चेंजेस जरूर कर सकते हैं हमें शॉक करने के लिए। और दोस्तों, अमेरिका के फैंस रोमन रेंज को एज ए यूनिवर्सल चैंपियन बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। अगर फिर भी रोमन रेंज को यूनिवर्सल चैंपियन बना दिया तो उनका रेन एकदम फ्लॉप हो जाएगा और वो लोग रोमन रेंज को एज अ चैंपियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर विंस मैकमैन के साइड से सोचा जाए तो रोमन रेंज को चीयर्स तभी मिलती है जब वो शील्ड में होते हैं, और रोमन रेंज के मोस्ट ऑफ द सिंगल्स करियर में उन्हें बू ही मिले हैं। तो फिर रोमन रेंज को 5 साल एज अ कंपनीज टॉप बेबी फेस पुश करके कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर दोस्तों, अगर रोमन रेंज हारते हैं ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि विंस मैकमैन ने गिव अप कर दिया है रोमन रेंज पर। तो फिर हमें देखना होगा कि आखिर क्या होता है इस एपिक मैच में। दोस्तों, आप सभी एक्साइटेड रहिए एंड रेडी रहिए फॉर ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल, क्योंकि बहुत सारा मजा आने वाला है, बहुत सारे शॉकिंग मूवमेंट्स हमें देखने मिल सकते हैं एंड बड़े सरप्राइजेस भी। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और आपको कौन सी पॉसिबिलिटी अच्छी लगी इन तीनों में से। तो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। Peace out.